नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस इन रिदम में। महिलाओं में अधिकतर थाइस की फैट को लेकर बहुत बड़ी समस्या सामने रहती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज जो थाइस के फैट को कम करेगी, थाइस के साथ आपके हिप्स के वेट को कम करेगी और साथ ही पैरों को भी मजबूत बनाएगी। जब आपकी थाइस की, पैरों की, पिंडलियों की मसल्स मजबूत रहती हैं तो आपके घुटने की हड्डियाँ भी मजबूत रहती है। तो ये एक सारी एक्सरसाइज आपको पूरे पैरों को मजबूत बनाएगी, पूरे पैरों के लिए फायदेमंद होगी। अधिक समय तक बैठे रहने से और असंतुलित खाना खा लेने से शरीर के निचले हिस्से में फैट ज़्यादा जमा होने लग जाता है और अधिक फैट जमा होने के कारण शरीर बेडोल दिखने लगता है, जिसके कारण कई बार शर्म महसूस होने लगती है। तो कुछ एक्सरसाइज इस तरह से हम करते हुए अपने पैरों को मजबूत भी बनाएं और साथ ही अपने पैरों के फैट को कम भी करें, थाइस को सुंदर बनाएं, जिससे आप अपने पूरे शरीर को सुडोल बना सकते हैं और साथ में जब शरीर अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, मन खुश होगा, जिससे आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और जिस काम को आप करना चाहें, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सफल भी ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और करना ही चाहिए। 20 से 25 बार एक बार में, 20 से 25 बार दूसरी बार। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अधिक फैट लग रहा है तो आप ये 2 सेट दिन में 2 बार कर सकते हैं। अलग अलग एक्सरसाइज हैं जो आपके घुटनों को भी मजबूत बना रही है और थाइस के फैट को भी कम कर रही है। स्क्वाट्स भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके थाइस के फैट को कम करती है। स्क्वाट्स में भी बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसी में आप अप डाउन करते हुए एक्सरसाइज करें और फिर कुछ समय के लिए होल्ड करें। होल्ड करने से भी वही इफेक्ट आता है जो हम निरंतर करते हुए करते हैं। स्क्वाट्स में आप न सिर्फ थाइस को, पैरों को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के फैट को कम कर रहे हैं, बल्कि ये आपके पूरे शरीर के वेट को भी कम करता है। इसमें बहुत अलग अलग तरह से हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक बार हमने स्क्वाट्स में अप एंड डाउन करना है, एक बार हमें होल्ड करना है, कुछ समय रुकना है, एक बार हम स्क्वाट बनाते हुए ही हिल्स को अप एंड डाउन करेंगे उसी पोजिशन में रहते हुए। हर बार एक्सरसाइज बदलते हुए बीच बीच में आपको 10 सेकेंड का रेस्ट करना है और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसके बाद स्क्वाट्स बनाते हुए ही आपको यहाँ पर पुश करना है, अपनी बॉडी को नीचे अप डाउन करना है और इसके बाद रेस्ट लेंगे और फिर स्क्वाट्स में ही जंप करना है। ये सभी एक्सरसाइज आप नियमित रूप से करें, आपको बहुत ही जल्दी इफेक्ट आएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ये सारी एक्सरसाइज आपके थाइस के लिए फायदेमंद है। और नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है आपके हिप्स के फैट को कम करना। एक एक पैर से आप 20-20, 25-25 बार करते हुए इसे 2-2 बार करेंगे। ये आपके हाथों को भी मजबूत बना रही है और आपकी पूरी बॉडी का फैट कम कर रही है। मार्जरी आसन में डालते हुए अपने आप को, लेग को अप एंड डाउन कराते हुए, व्याघ्रासन भी कह सकते हैं हम इस पोजीशन में, व्याघ्रासन का स्टेप लेते हुए ये आपके पैर को भी कम कर रही है और कमर को भी पतला बना रही है। और एंड में नटराज आसन के द्वारा पैरों को स्ट्रेच जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए
नए साल में आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभकामनाएं। धन्यवाद।